क्या हुआ? आपने हम सबको यहाँ एक साथ बुलाया है, कोई विशेष कारण? एक महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराने का समय आ गया। ब्रह्मदेव के एक भक्त ने उनकी तपस्या कर उनसे एक वरदान प्राप्त किया और वो वरदान ये है कि मैं स्वयं उस भक्त को युद्ध कला में प्रशिक्षण दूं और ब्रह्मदेव के वरदान की पूर्ति हेतु मुझे तुम सबके सहयोग की आवश्यकता है। अवश्य पिताजी, ये हमारा सौभाग्य होगा। अब केवल आदेश दीजिए। स्वामी, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपको चिंतित है? कौन है ये ब्रह्मदेव भक्त? अंधक पुत्र हाट अंधक पुत्र प्रभु नंदी, किसी भी व्यक्ति का आकलन केवल उसके अपने कर्मों से होना चाहिए, ना कि उसके पिता के कर्मों के आधार पर। अंधक के कारण हम सबको न जाने कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु आड़ी के लिए एक नया आरंभ है, हमें उसे पूर्ण अवसर देना चाहिए। पिताजी का गठन सर्वोत्तम उचित है, और यदि हम अंधक के बारे में विचार करें तो उसने भी इतनी दुष्कृत्यों के उपरांत अपनी भूल की अनुभूति हुई। समय से पूर्व हमारा पूर्वाग्रह आड़ी के साथ अन्याय होगा। दिति, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके दर्शन पाकर मैं सदैव धन्य हो जाता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पुनः आपके समक्ष खड़ा हूं। क्या चाहिए तुम्हें? ब्रह्मदेव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया कि मैं महादेव द्वारा युद्ध कला में प्रशिक्षण पाऊंगा। हां दैत्य माता, महादेव द्वारा, आपके आराध्य द्वारा, और यह शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। तुम्हारे पालन पोषण का विशेष उद्देश्य तुम्हारे जीवन के महान उद्देश्य को पूर्ण करना था। सबको तुमसे बहुत आशाएं हैं आड़ी। अवश्य, और मैं इस बात का सम्मान करता हूं माता, और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि किसी को निराश ना करूं। तुम जो भी कर्म करोगे उसी के अनुकूल परिणाम प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति के मार्ग को परिवर्तित कर सकते हैं। इस सहज तथ्य को ना समझना ही असुरों का सबसे बड़ा दोष रहा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही भूल करो। स्मरण रहे, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी होगा, वो अकारण नहीं है, अतः उसे व्यक्तिगत कभी मत बनाना।
व्यक्तिगत? व्यक्तिगत तो कब का बना चुका हूं मैं दैत्य माता, अब तो मेरी योजना के सफल होने का समय आ गया है। आशीर्वाद दीजिए। कुल का मान, कुल की प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत और कुल धर्म के पालन हेतु तुम जो कुछ भी करोगे उसके लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। किसी का आकलन केवल उसके कर्म पर आधारित नहीं कर सकते। हम ये नहीं भूल सकते हैं स्वामी कि वह अंधक पुत्र है, वही अंधक जिसने ना केवल कैलाश का अपितु आपके एवं आपके परिजनों की भी अवमानना की। कैसे हमें पीड़ा ना हो स्वामी को देख, हमें कैसे स्मरण नहीं होगी वो पीड़ा जो अंधक ने हमें दी। हम ये कैसे स्मरण ना करें कि अंधक के कारण हम दोनों को अलग होना पड़ा था। कैसे स्वामी, भांति समझ सकता हूं पार्वती, किंतु यदि आड़ी की ऊर्जा अंधक से जुड़ी है तो मुझसे भी संबद्ध है, और इस बार मैं चाहूं या ना चाहूं किंतु वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि मैं स्वयं को पृथक नहीं कर पाऊंगा। कब रुकेगा ये क्रम स्वामी, कब कब अंत होगा ऐसी परीक्षाओं का, कब स्वामी कब? पार्वती, जो अपने अंश हो उनसे जुड़ी बातों का कभी अंत नहीं होता पार्वती, उसे हमारी आवश्यकता है और उसकी सहायता करना हमारी प्राथमिकता है। यदि हमने उसे स्वीकार किया पार्वती,
तो भविष्य में होने वाली न जाने कितनी समस्याएं टल जाएंगी। इस बार नागलोक में मनसा के रूप में मेरी एक और ऊर्जा पोषित हो रही है, विकसित हो रही है। तुम्हें और मुझे, हम दोनों को उस पर ध्यान देना है। ऋषि मेरे आश्रम में? अहो भाग्य, अहो भाग्य। हलाहल का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। महर्षि हलाहल, हम सप्त ऋषियों की यह इच्छा हुई कि हम एक बार मनसा को देखें, इसी कारण हम यहां पधारे हैं। मनसा के विषय में इतना कुछ सुना है और यह भी सुना है कि आप कितने अच्छे से उनका पालन पोषण कर रहे हैं। महादेव की ऊर्जा के पोषण का सौभाग्य जो आपको प्राप्त हुआ है और जो कष्ट आपने सहे है, उसके लिए हम सभी आपको नमन करते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है ऋषि भृगु? मैं तो केवल महादेव के द्वारा सौंपे गए दायित्व का अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्वाह कर रहा हूं। ऋषिवर, यह दायित्व उन्हीं व्यक्तियों को सौंपा जाता है जिन व्यक्तियों में इन दायित्वों को निर्वाह करने का सामर्थ्य होता है। इतने वर्षों तक मनसा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को सहना, यह कोई साधारण कृत्य नहीं है। किंतु ऋषिवर, मनसा कहां है? वो आश्रम में रहती कहां है ऋषिवर? भटकती रहती है इधर उधर अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। रखने का उद्देश्य यही था कि उसकी ऊर्जा की अनुभूति किसी और का ना हो, मनसा की वास्तविकता का बोध किसी अन्य व्यक्ति को ना हो। ऋषिवर, किंतु यदि मनसा इसी तरह भ्रमण करेगी तो हमें भय है कि वो किसी तरह के संकट में ना पड़ जाए। महर्षि हलाहल, अब वो समय आ गया है जब मनसा की विशेष शक्तियां सक्रिय होगी। हमें सचेत रहना होगा। कन्या इतनी मूर्ख क्यों होती है? हमें सदैव उनका संरक्षण करना पड़ता है। ये तो क्रोधित हो रही है। मैं तो भयभीत हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी कोई ये विक्षिप्त कन्या हमें काट ना ले, बहुत विषैली होगी। हाँ।